दोस्तों मैं अमसूद यहूद, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से द कश्मीर फाइल्स के अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अर्ली एस्टिमेट्स आ चुके हैं ट्रेड के, और ट्रेड का कहना है कि इस फर्म ने आठवें दिन जो कमाई की वो आपको बता दो, वो कम से कम 18.50 करोड़ से लेकर 19 करोड़ तक बताई जा रही है, यानी कि 18.5 करोड़ से लेकर 19 करोड़ तक इस फर्म ने कमाई की है। और इस तरह का कलेक्शन अगर आया है कल होली के दिन, तो एक तो वाजिब सी बात है कि इसने बच्चन पांडे कलेक्शंस को मात दे दी है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि 4000 प्लस स्क्रीन्स पर ये फिल्म अभी भी काबिज है। तीसरी बात यह है कि इससे इसका 100 करोड़ का जो सपना है, सपना भी नहीं कहेंगे, वो तो हकीकत हो चुका है। अब 100 करोड़ पूरे कर लिए इस फिल्म ने, और फिल्म जो 97.30 करोड़ पर दस्तक दे रही थी 7 दिन के बाद, वो अब जाकर जंप लेकर पहुंच चुकी है 115.80 करोड़, 115.80 करोड़ से लेकर 116.30 करोड़ तक, यानी कि 115.80 करोड़ टू 116.30 करोड़। तो इस फिल्म का टोटल कलेक्शन अभी तक इस तरह का सामने समझ में आ रहा है। फिलहाल आप कितने खुश है जरूर बताइएगा। तो अब इसकी मंजिल 100 करोड़ नहीं है, अब इसकी मंजिल है 200 करोड़, और मुझे पूरा यकीन है इस वीक के खत्म होते होते या फिर थर्ड वीकेंड तक ये चीज भी हासिल हो जाएगी। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।